अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। संसद की बातें भी हो जाए तो अच्छा है, आइए हम सबको मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बच्चों ने इस प्रोग्राम के लिए जो इंटरेस्ट दिखा के आगे आए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इसी तरह वो आगे भी प्रयास करते रहे और देशभक्ति की भावना को यहाँ पे बताते रहे हैं कि उनके अंदर कितनी भावनाएं हैं इस प्रोग्राम के प्रति। अपना नाम और कक्षा, मेरा हरिका बैठे है, हमको आमंत्रित करती हूँ मंच पे कि वो आए और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करें। जल्दी करो। यहाँ पे जो बच्चों का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, यहाँ किस तरह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये शहर में छात्राओं की एक संस्था है, जय हिंद सखी मंडल। ये लगभग 9, 10, 11, 12 की छात्रा इस ग्रुप में है। इनके द्वारा तरह तरह की एक्टिविटीज़ पिछले 7 महीनों से की जा रही है। आज चूँकि शहीद दिवस है, आज महात्मा गांधी हमसे बिछड़ गए थे, उनकी स्मृति में आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज जैन सखी मंडल के द्वारा एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें नगर में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल है शासकीय, वहाँ से एक एक टीम आई थी और इनका जैसे कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर प्रश्न मंच आयोजित किया गया और सारा मल्टीमीडिया पर आधारित था ये पूरा कार्यक्रम हमारा। और ये जो था स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता पर आधारित था, क्योंकि आज शहीद दिवस है। इसमें 6 राउंड थे, इसमें ऑडियो राउंड भी था, इसमें महात्मा गांधी पर भी प्रश्न थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर प्रश्न थे, भगत सिंह पर, आज़ाद पर, सरदार पटेल पर, यानी आज़ादी की लड़ाई में जिन महापुरुषों का योगदान रहा उनको लेकर नई पीढ़ी भूल न जाए, इसलिए हमने इसका आयोजन किया है। उनसे संबंधित प्रश्न रखे। कितने बच्चों से इसमें भाग लिया था आज? इसमें 6 टीम थी, एक उत्कृष्ट विद्यालय की टीम, एक CM राइज स्कूल की, एक नंबर 1 स्कूल, नूतन स्कूल, राधाबाई स्कूल, चिमनाबाई स्कूल, और प्रत्येक टीम में 2-2 छात्र थे। तो कुल मिलाकर 12 बच्चों के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और दर्शक के रूप में महारानी चिमनाबाई स्कूल की छात्राएं उपस्थित थी। हेलो, आपका नाम? प्रसून पंड्या। ठीक है।